अच्छा जी, सीआरएम फाउंडेशन, ये कौन है जी? ये जरा अपना माइक ओपन करके बताएंगे अपना नाम हाँ, अस्सलाम वालेकुम और इंशाल्लाह रहमतुल्लाह। सर। एक्चुअली ये गूगल के ऊपर जो बना हुआ है ना, एक मेरा चैनल है, उसकी वजह से ये शो हो रहा है। जूम पे मेरा दूसरा नाम है, बट यहाँ पे वो डीपी उस पे ये लगी हुई है, वो पीछे से जा सारा चेंज करना पड़ेगा। तो आप आईडी एक बना लेना अपनी न्यू, जो कि डेडिकेटेड इसी के लिए हो, मतलब लेक्चर्स के लिए। तो ये फिर आपका नाम होगा ना, तो ज़रा कन्वेंशनल होगा, क्योंकि इस तरह कोई इंट्रूडर आए बाहर से तो कोई आके मतलब जी सर, मैं करता हूँ कोशिश, अगर हो जाए मुझसे अन ट्राई कीजिएगा, मुश्किल नहीं है कोई, ये। मतलब बाय द फिर वे सर, जी। बर्थडे, सॉरी, हैप्पी बर्थडे सर, ओ माय गॉड, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको राजी हैप्पी रखे, बर्थडे सर। सबका हो गया, सबका हो गया, थैंक यू वेरी मच। सर कल आपकी पार्टी भी बहुत अच्छी थी, बर्गर वाली। अच्छा वो बर्थडे की पार्टी थोड़ी थी, वो तो खाना था यार हमारा। बर्थडे की पार्टी तो रात को जो है ना बॉयज ने की है यहाँ पे, उन्होंने वो कैप शैप पहना के, तो रात को तो शुक्र है उनको अल्लाह ने हदायत दी है, नहीं तो उनका तो फुल प्रोग्राम था मुझे नहलाने का ठंड में। सर, अंडे अंडे मारे हैं उन्हें तो मारे नहीं, आप? अंडे शंडे नहीं मारे यार। ओ सर जी, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना काम। रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट है जी। हाँ जी, और ये आपकी बर्थडे विशेज भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, अब ये यूट्यूब पे जाएंगे। अच्छा, लेट्स बैक टू द टॉपिक। हमने कल जो चीज़ें पढ़ी थी, इफ एल्स, या जो भी मतलब हमने कंडीशंस वगैरह, या आपने देखा था कि प्रोग्राम को हमने स्मार्ट कैसे बनाना है, तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स किए थे हमने कल। चैलेंजेस, मतलब एक चैलेंज था बल्कि, वो हमने देखा था कि उसको कैसे करना है। किसी को किसी भी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे जो है ना फॉरवर्ड मूव करेंगे। एनीवन जी, सर हमारा ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है? यार कल जो लेक्चर है ना वो अपलोड होना था आपका, मसला ये है उसमें रिकॉर्डिंग सारी है, आपकी आवाज़ सारी है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही उसमें। असल में कुछ मेरे एंड पे कुछ मसले मसाइल इस वजह से होते हैं क्योंकि मैं ना न्यू से न्यू टूल जो है ना वो एक्सप्लोर करता रहता हूँ। पहले मैंने एक टूल यूज़ किया था, एपी सॉफ्ट या इस तरह के नाम से ना कुछ है ये टूल, अपोवेयर सॉफ्टवेयर इस तरह करके कुछ नाम है उसका। उसमें मसला ये आता है कि उसमें जो वीडियो की मतलब जो उसका साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो वीडियो है वो फ्लिकर भी करती है, मतलब वो बड़ी स्मूथ रिकॉर्डिंग नहीं देती। ओबीएस के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, पर ओबीएस के साथ मसला ये आया है, कल मैंने ओबीएस के ऊपर रिकॉर्ड किया, उसमें फाइल साइज़ भी छोटा होता है और वीडियो फ्लिकर भी नहीं करती पूरी, मतलब स्ट्रीम्ड सॉफ्टवेयर है वो। और मसला ये हुआ उसके साथ कि कल मैंने माइक्रोफोन जो है ना वो नहीं ऑन किया उसका, और उसकी मुझे सेटिंग भी जो है ना एक्सप्लोर करने में नहीं मिली, इस वजह से थोड़ा सा मसला आया। अब ये वाली जो वीडियो है मैं वही जो पुराना सॉफ्टवेयर उसी पे ही कर रहा हूँ। चले मैं हिलता जुलता मतलब फ्लिकर भी नज़र आऊँ तो कोई मसला नहीं है, मेरा साउंड जो है ना वो आप तक मतलब पहुँच जाएगा कि मैं क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ। तो आज तो यही मतलब रिकॉर्डिंग जो है ना मैं अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा, मतलब मैंने चेक कर लिया कि जी इसका सिस्टम का माइक ऑन है, ये सारा कुछ। नेक्स्ट वो जो ओबीएस है ना, मैं कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा सा हम अपना एनवायरनमेंट में थोड़ा सा स्मूथ बनाएं, फास्ट साउंड कैप्चर ट्राई करें। चलें ठीक है, ये भी ट्राई करूँगा, मतलब अब बाकी कोशिश करेंगे कि जो है ना अपने क्लास में थोड़ा सा तो चैनल कौन सा है? चैनल सॉरी, कौन सा है सर जिस पे अपलोड होते हैं आप लेक्चर? वर्चुअल कैंपस पे हैं हमारे? मेंस उस पे वो जो आईटी हब, वेबसाइट हाँ है जी सर, जी जहाँ पे अटेंडेंस वगैरह लगती है जी वहाँ। अगर वहां पे आप, सुन मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर, आपकी वीडियो आ रही है? नहीं स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं? हाँ सर। जी, एक्सक्यूज अब मी सर, 1 मिनट ठहरिए, करी जरा, अभी शो हुई है जी स्क्रीन या नहीं हुई? यस यस सर, सर, जो वो कह रहे थे सीआरएम, आप कुछ कह रहे थे यार, अपना नाम बता दें प्लीज।
सरसद नाम है मेरा। अच्छा सरसद, ये शो हो रही है आपको स्क्रीन मेरी? सर आपकी वीडियो आ रही है जो स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा चलें, मैं आपको वर्चुअल कैंपस का ना लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें बल्कि वर्चुअल कैंपस सर नहीं, ये एक मिनट एक मिनट, मैं ना बात कंप्लीट कर लूं फिर बाद में। ये जो वर्चुअल कैंपस है ना, इसके आप कोर्स जाएंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जाके आपके पास मतलब आएगी, पूरे मॉड्यूल आएंगे, 3 मॉड्यूल अभी तक हम कवर कर चुके हैं, मतलब 2 मॉड्यूल कवर कर चुके हैं, तीसरा चल रहा है। उन मॉड्यूल में मतलब एक वो कोर्स का थंबनेल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल CMPC 101, जो आपके कोर्स का कोड है, वो वीडियो वही है जो इस सेशन की रिकॉर्ड होती है, तो आप वहां से जाके चैनल पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मैं चैनल का लिंक भी दूंगा तो वो भी वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, पर अच्छी अप्रोच ये है कि आपकी प्लेलिस्ट मेंटेन है, आपके सारे कोर्सेज मेंटेन है, वहां पे जाके आप उसको ना कर सकते हैं। अच्छा किसी और का क्वेश्चन था जी? कौन सर, एक्सक्यूज सॉरी मी सर, जी जी प्लीज। कौन से मॉड्यूल में है सर बताया? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स है ना आपका, जिसमें आप इनरोल्ड हैं, जी, कर उसमें ले हमने। जाएंगे, उसके अंदर मॉड्यूल बने हुए हैं, मतलब वीक को एज अ मॉड्यूल है, आप समझे, मतलब पहला जो वीक था वो ठीक हो गया मॉड्यूल वन सर। था, दूसरा वीक मॉड्यूल टू, तीसरा जो है वो मॉड्यूल थ्री। जी सर। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन था जी? सर ये पूछना है जो अटेंडेंस है सर इसके प्रोफेशनल कैंपस पे, वो कैसे लगानी है वो बता दें। आप अभी तक अटेंडेंस नहीं लगा रहे अपनी? वो उसकी अप्लाइड सर फिजिक्स की उसके सर ऊपर लगानी अटेंडेंस के लिए ऑप्शन ही है, नहीं तो उसके आता। बाद वो बनना होता है, उसके अंदर टिक लगानी होती है सर। अटेंडेंस जैसे ही आप ओपन करते हो ना, वहां पे जाके आप, आपसे वो पूछता है सबमिट अटेंडेंस। अटेंडेंस तब ही लगती है जब आपकी क्लास ऑन हो, मतलब ये 10 बजे क्लास ना, 10 से 11 बजे तक जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की अटेंडेंस है ना वो ऑन हो जाएगी। जैसे ही वो ऑन होगी, एक्सक्यूज मी, जैसे ही वो ऑन होगी आपने क्या करना है, आपने वहां पे मतलब अटेंडेंस पे क्लिक किया, अब वो आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहां पे क्या होगा, जहां से वो आपको कहेगा कि जी ये है हमारे पास सबमिशन। सबमिट करेंगे तो वहां पे 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, प्रेजेंट, लीव, एबसेंट एंड समथिंग, इस तरह करके कुछ। ये 4 ऑप्शन में से आपने प्रेजेंट सेलेक्ट करना। क्लियर हुआ अबू बकर? जी सर, ओके, कोई मसला नहीं, थैंक यू। अच्छा सर, प्रोग्रामिंग के पेपर पैटर्न कैसा होता है? अच्छा, पेपर पैटर्न को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा ना कोर्स को डिस्कस कर लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको सैम्पल पेपर्स दे तो सकता हूँ अभी, पर मसला ये है कि वो बिगर पिक्चर है। आप छोटे छोटे जो जिग्सा पजल है इनको अगर सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर आपको बिगर पिक्चर देखना आसान होगी। अभी अगर वो पेपर डिस्कस करने शुरू कर दें या मैं पेपर आपके साथ वो शेयर करूं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है सच, तो परेशान ना हो। हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम मतलब कवर कर सकते हैं, हमारे जो पेपर्स हैं ना, जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। अभी के लिए जो बस मैं काम दे रहा हूँ ना, आंखें बंद करके बस वो काम करते जाओ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मॉड्यूल बनाए हुए हैं ना, इसमें मेरे लेक्चर, मतलब जो हम ये सेशन कर रहे हैं, ये लेक्चर इसके साथ जो इसका लिटरेचर होगा, मतलब PPTs होंगी, या कभी हैंड्स आउट भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हैंड्स आउट भी उसमें मतलब करेंगे, मर्ज करेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें, कुछ हेल्पिंग मटेरियल जो है ना वो साथ साथ होगा, पर मामला ये है कि उसके साथ साथ मैंने आपको हेल्पिंग मटेरियल भी दिए हुए हैं, मतलब जहाँ से मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ या फिर जहाँ मैं ये समझता हूँ कि ये इस बंदे ने बात बड़े अच्छे से समझाई हुई है, ये स्टूडेंट को समझ आने वाली बात है, वो रिसोर्स भी मैंने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहे हैं तो ये एक मतलब आपको बड़ा फिल्टर्ड डेटा जो है ना वहाँ पे मिलेगा। देखें, आपके पास दो अप्रोचेज हैं, या तो आप खुद जाएं, जाके एक्सप्लोर करें, देखें कि आप किसके साथ सिंक होते हैं, उस सिंक्रोनाइजेशन के साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लें। दूसरी अप्रोच जो मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो करें, कि ये जो डेटा यहाँ पे मॉडल के ऊपर मॉड्यूल्स में दिया हुआ है ना, ये फिल्टर डेटा है। मतलब देखिए, मैं ये कोर्स इसको आप लोगों से बेहतर जानता हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है पहले भी,
अब मामला ये है कि ये जो कंटेंट मैंने दिया ये फिल्टर्ड कंटेंट है, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़्यादा है, तो ये फिल्टर्ड कंटेंट दे रहा हूँ मैं, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब इसमें चीज़ें जो है ना वो बाज़ जगह पे आपको कंटेंट मिलता है वो हिला हुआ मिलता है, उसके मतलब एक्चुअल सेंस नहीं बनती जिस तरह उसकी सेंस बननी चाहिए। पर इस वजह से मैं कह रहा हूँ वो मैंने ट्यूटोरियल वीडियो ट्यूटोरियल फॉर्म में भी दिया हुआ है, अगर आप में से किसी को अल्फाज से ज़्यादा शगफ है, मतलब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके लिए वेबसाइट्स के लिंक भी दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर कोई मतलब आप में से कोई मतलब अपने आप को मतलब वो समझता है कि जी मैं इस चीज़ को बड़ा एडवांस जाके कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि आप सब कर सकते हैं, मैं मतलब ये पर्टिकुलरली किसी मखसूस बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उर्फ ये मतलब एक आम बात हो रही है, जेनेरिक बात हो रही है, कि उसमें अगर आप मॉडल पे सबसे ऊपर टॉप पे जाए ना, वहाँ पे मैंने 3 या 4 लिंक दिए हुए हैं, मतलब अनाउंसमेंट के नीचे, वो 4 लिंक में आपकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइज को अगर आप कर लेते ना तो वो आपके डेली बेस चैलेंज हैं, मतलब आप डेली अपना काम जो है ना वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप समझते हैं आपको प्रोग्रामिंग करनी है और प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो एक अच्छा स्टार्ट है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ जी? यस ये जो 4 लिंक्स हैं ना इनकी मैं बात कर रहा हूँ, लर्न सर, सी, सोलो लर्न, स्टडी टू नाइट एंड लर्न टू सॉल्व, ये 4 लिंक्स अगर आप मतलब आप एक्सप्लोर करते हैं और खुद से मतलब इनको पढ़ते हैं और ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, तो आपकी बड़ी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और देखिए आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है ना, तो आई गारंटी यू कि यहाँ इस क्लास में भी आपको पढ़ने का मज़ा आएगा, क्योंकि फिर हम एडवांस टॉपिक्स पे जाके बात करेंगे, हमें फिर ये जो छोटे मोटे कंसेप्ट है ना इन पे इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जस्ट यहाँ पे 10-15 मिनट की डिस्कशन करेंगे मतलब उस टॉपिक की, उसके बाद जो हमारे मतलब जितने भी 40 या 45 मिनट हैं, हम कोशिश करेंगे हम किसी प्रोडक्टिव वर्क की तरफ जाएं, हम कोई प्रोडक्टिव वर्क करें, हम कोई ऐसा काम करें जो हमें इन फ्यूचर हमें काम आ सके और हम उससे कुछ अच्छा जो है ना वो बना सकें, या कोई मतलब हमारा नॉलेज इंक्रीज हो, हम आए दिन पहले दिन से न्यूर वर्जन में हो, हम थोड़े बेहतर हो, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मतलब करना पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगी। वो एफर्ट क्या करनी है, वो एफर्ट मैंने आपको बता दिया, सिंपल इन लिंक्स को क्लिक करना है, इन लिंक्स के ऊपर जाना है, जैसे जैसे ये कहते हैं वैसे वैसे करते जाना है बस। अभी तक के लिए लगेगा तो ये आपको डोंकी वर्क, बट आई अश्योर यू कि ये आपको बड़ा फायदेमंद होगा, बहुत सूदमंद होगा, क्योंकि एक आपके पास होती है हार्डवर्क अप्रोच, एक होती है स्मार्ट वर्क अप्रोच। अब स्मार्ट वर्क को आप तब तक नहीं मतलब अडॉप्ट कर सकते जब तक आपको मतलब देखो एक काम को करने के 10 तरीके होते हैं, ये होता है स्मार्ट वर्क, मतलब आपको 10 तरीकों से एक काम आना चाहिए, और आप ये समझ लो कि ये जो तरीका है ना इस माहौल में फिटिंग है। अब वो 10 तरीके आप आपको कहाँ से मिलते हैं, वो 10 तरीके या तो आपका मेंटोर आपको बताता है जो आपको मतलब बता रहा है या पढ़ा रहा है या सिखा रहा है, या तो वो बताता है आपको, या फिर आप बाय हार्ड वर्क वो 10 तरीके जो है ना एक्सप्लोर करते हो। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप हार्ड वर्क के जरिए भी वो कर सकते हो, और यहाँ मैं भी मौजूद हूँ, कहीं पे आपको कोई मसला हो, कहीं पे आपको लगे कि सर मुझे इस कंसेप्ट की समझ नहीं आ रही, तो अगर वो उस टाइम पे मतलब मुनासिब हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर कॉपरेट करूंगा, कि मतलब मुझे ये लगता हुआ कि आपका मतलब वो टाइम है ये कंसेप्ट समझने का, तो इंशाल्लाह अल अजीज मैं जरूर उसको जो है ना अपने बियॉन्ड द कंफर्ट जोन जाके आपकी हेल्प करूंगा। बट अगेन इट इज ऑल अबाउट द एफर्ट, इट इज ऑल अबाउट द हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मतलब अपने भी कंफर्ट जोन से बाहर आके मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा सर यस वी आर डिजर्विंग, कि आप जो है ना हमें थोड़ा सा इस पे मेंटर करें और इसमें हमें थोड़ा सा एडवांस लेके चलें सर। ओके जी, यस सर। ओके चलें जी अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबको? यस सर, अच्छा जी यस सर, ठीक हो गया। यस सर। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें मतलब पढ़ी थी जी, हमने देखा कि जी हमने अपने प्रोग्राम को स्मार्ट कैसे बनाना है, हमारा प्रोग्राम जो है वो डिसीजन कैसे ले सकता है, फिर हमने छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, प्रोग्राम के बाद हमने एक बिगर चैलेंज
हल्का फुल्का बिगर, नॉट वेरी बिगर बट हल्का फुल्का बिग चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया था, आप में से बहुत सो ने एक्सेप्ट भी किया और उसको चेज भी किया। वेल डन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मतलब एटलीस्ट ट्राई भी किया, उनके भी 100/100 मार्क्स हैं, क्योंकि इस लेवल पे मुझे सिर्फ आपकी मतलब कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर कमिटेड पर्सन। तो ये वाला हमारा चैलेंज था, जिन्होंने किया ब्रावो, जिन्होंने नहीं किया उनको, उनके लिए भी मतलब मैं कहूँगा कि जी आप जो है ना थोड़ा सा मेहनत करें, चीज़ें मुश्किल नहीं है, चीज़ें देखते जाएंगे आप के वक्तन फवक्तन कैसे आसान होती जाती हैं अगर आप उनको अपने हाथ से गुजारते हैं। अच्छा, इफ एल्स में कुछ बातें जो है ना हमारी, मतलब हम थ्रू आउट दिस कोर्स हम इन इन क्योंकि इनसे हमारा सबका पढ़ना है, हमारा वास्ता होगा इनसे, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। तो देखें, हमने बात की थी कि सी के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, उन की वर्ड्स का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो इस वजह से इनको हमें पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोड इज नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग एंड टैप 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 ऑन कीबोर्ड। ये सिर्फ टाइपिंग का नाम नहीं है, प्रोग्रामिंग मतलब ये समझ लें कि जी आप रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, वही प्रॉब्लम आप कंप्यूटर में सॉल्व करते हैं, और ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप बैठे हैं और आप बस कंप्यूटर पे बैठ के टाइप टाइप कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग इज अबाउट थिंकिंग, आप सोचते कैसे हैं, आप चीज़ों को क्रिटिकली कैसे सोचते हैं, आप चीज़ों को देखते कैसे हैं, क्या आपको एक एक जो चैलेंज है, अच्छा जहाँ पे भी मैं आप प्रॉब्लम वर्ड कहूँ आप लोगों ने मुझे क्रैक करवाना है, वहाँ पे हमने प्रॉब्लम की बजाय चैलेंज वर्ड यूज़ करना है। जहाँ पे भी आपके पास कोई चैलेंज आया, क्या आप उस चैलेंज को दो या तीन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, क्या आप एज अ क्लाइंट सोच सकते हैं, क्या आप एज अ प्रोग्रामर सोच सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग जो है वो इस वजह से थोड़ी सी वास्ट फील्ड है, इसको बस ये नहीं समझना आपने कि मुझे सी आती है तो मुझे प्रोग्रामिंग आती है। नो, अगर आपको सी आती है तो आपने प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टूल सीखा है, बस ये ऐसे ही है कि मुझे मोटर बाइक के जो स्पेयर पार्ट्स है ना वो लैदा लैदा करने आते हैं, तो मैं कैसे करूंगा, मैं एक स्क्रू ड्राइवर के जरिए या कुछ एक मेरी टूल किट होगी जिसके जरिए मैं करूंगा। तो सी वही एक स्क्रू ड्राइवर या जिसको वो पेच कास कहते हैं या कोई भी वो जो टूल आप यूज करते हैं स्पेयर पार्ट्स खोलने के लिए, सी का सिर्फ वही काम है, इसके अलावा सी का काम नहीं है। ऐसा मतलब कोई बंदा नहीं है जो ये कहे कि जी मुझे सी आती है और मैं प्रोग्रामर हूँ। प्रोग्रामिंग इज अ डिफरेंट थिंग, कि आपको क्रिटिकली सोचना पड़ता है, आपको चीज़ों के पर्सपेक्टिव जो है ना वो देखने पड़ते हैं, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखना पड़ता है, एक चैलेंज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर ये चैलेंज किसी छोटे बच्चे को आया तो उसको कैसे टैकल करना है, और अगर यही चैलेंज किसी बड़े बुजुर्ग को आया तो उसको कैसे टैकल करना है। मतलब आपको बच्चे की तरह भी सोचना पड़ता है, आपको बड़े की तरह भी सोचना पड़ता है, आपको क्लाइंट की तरह भी सोचना पड़ता है, आपको एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी सोचना पड़ता है। तो इस वजह से अपना थोड़ा सा ना इस पिक्चर को देखने का कैनवस जो है ना वो ब्रॉड करें, इसको नॉट मतलब बस ये ना देखें कि 10-12 घंटे बैठ के और टाइप करना ये प्रोग्रामिंग है। उसके अलावा जी हमने देखे थे कि जी हमारे पास कुछ रिजर्व की वर्ड्स होते हैं जिनको हमें मतलब अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखें पहली बात तो हमने की कि प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट जस्ट टाइपिंग, और दूसरी बात हमने ये की कि मतलब आपको दूसरी बात हम ये करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग ऐसे ही है जैसे आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं या उर्दू लैंग्वेज सीखते हैं। मतलब आपको लैंग्वेज लिखनी तो आ गई, पर क्या आपको लैंग्वेज पढ़नी आती है? अब इसमें मोस्ट ऑफ यू जो है ना वो बड़े मतलब क्वेश्चंस मतलब रेज करेंगे, जी सर हम कोड पढ़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, पर बच्चे मेरा कुछ तकरीबन 6-1 साल का ना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, मतलब मैं इस फील्ड से टच हूँ।
अभी भी बाज औकात कुछ कोड ऐसे आ जाते हैं जिनको पढ़ना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है। बताने का मकसद क्या है, मैं बताने क्या जा रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जी जिस चीज़ को हम बड़ा आसान समझते हैं ना, ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। प्रोग्राम पढ़ना मतलब इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। आप किसी की लॉजिक समझ रहे होते हैं और प्रोग्राम को मतलब, चलें ये तो बड़ी इन डेप्थ बात थी ना, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इस बात को। देखो आप प्रोग्राम तब ही पढ़ पाओगे जब आपको रिजर्व वर्ड्स का पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। अगर आपको उन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, अगर आपको उसकी डिक्शनरी का नहीं पता, तो वो सारी बातें फिर आपके सर से गुजरनी है। अगर आपको ये पता हो कि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है, इसको मुझे रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसको बस यूज करने की जरूरत है, तो फिर मतलब फिर ही आप उसको अफेक्टिव जरा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जब हम फंक्शंस जाके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यूजर के पास क्या एक्सटेंसिबिलिटी होती है, कि यूजर अपने फंक्शन भी बना सकता है। तो जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को आपको समझना पड़ता है। मतलब कल को आप कोई डेवलपमेंट की फील्ड में जाते हो, फर्ज करो आप में से कोई वर्ड प्रेस की तरफ जाते हैं, तो वर्ड प्रेस में जो आपके पास थीम्स होते हैं उनको कस्टमाइज करना पड़ता है, उनकी कोड में चेंजिंग करना पड़ती है। कोड चेंज करने के लिए आपको कोड समझना पहले मतलब जो है ना वो पड़ेगा। अगर आप कोड को समझते नहीं है तो आप उस कोड को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस भी बनाएं, कोशिश करें। बाकी मैं भी कुछ ऐसी कोशिश करूंगा कि इसमें कुछ एक्सरसाइजेस जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी इंक्लूड की जाएं जिससे हम कोड को पढ़ सकें और हमें कोड को पढ़ना आए। तो कोशिश आप भी अपने एंड पे किया करें, कुछ प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को पढ़ा करें, स्टडी किया करें। अगर कहीं पे मसला आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो इफ एल्स वाला काम है, ये हम सिर्फ एक तरीके से नहीं कर सकते, ये हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। आगे चल के हम कुछ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, मतलब अभी कुछ ऑपरेटर हमने पढ़े हैं जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं। आगे चल के जब ये सारे ऑपरेटर्स कहीं ना कहीं हमारे सम अप होंगे ना, तब इनको हम क्लासिफाइड करेंगे, इनको कैटेगराइज करेंगे। उनमें हम तीन तरह के ऑपरेटर्स देखेंगे, जिनमें यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। अब एक ऑपरेटर इनमें ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब ये जो काम आप इफ एल्स के जरिए तीन या चार लाइन में करवाते हो ना, वही काम हम सिंपल एक लाइन में करवा सकते हैं। पर वो थोड़ी सी आगे की नेक्स्ट की बात है, जब हम उस ऑपरेटर पे आएंगे तो हम उस पे देखेंगे। तो जी इफ एल्स पे हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने देखा कि जी हमारे पास एक इफ है, उसके ही पेयर में एक एल्स है। तो इफ अगर चलता है तो इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अगर एल्स मतलब इफ नहीं चलता तो फिर एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना वो रन होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्टोरी में ट्विस्ट है। अब यहाँ पे एल्स के साथ एक और इफ उन्होंने लगा दिया, मतलब इफ एल्स इफ। इसका क्या काम है? इफ हमारा ये पहली कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ हमारा जो है वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद अगर वो भी ट्रू नहीं होती फिर एल्स इफ आएगा, वो तीसरी कंडीशन चेक करेगा, वो भी ट्रू नहीं होती फिर मतलब आगे चलता तो उसकी वो फोर्थ जो कंडीशन है वो चेक करेगा। इस प्रोग्राम को हम बना के देखते हैं जी। इसकी एक मतलब लॉजिक बनाते हैं खुद से। लॉजिक क्या है, जस्ट अ मिनट प्लीज। stdio.h, मेरा कंपाइलर शो हो रहा है जी सबको? यस सर, अच्छा जी, यस सर। मैं यहाँ पे जरा स्टेट कर दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि हमने यूजर से इनपुट लेनी है एज एन इंटीजर। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, टेक, चलें इबारत लिखने के बजाय हम इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट कोड ही करते हैं। ये मैं मतलब उसमें ना स्लाइड में ऐड कर दूंगा कि ये जो चैलेंज है हमारा क्या है। हमारा ये चैलेंज है कि हमने यूजर से इनपुट लेना है 1 से लेके 7 नंबर तक। ठीक हो गया जी, 7 नंबर तक हमने इनपुट लेना है। और इनपुट लेने के बाद होगा क्या, हम ये करेंगे कि अगर यूजर ने 1 किया है तो हम फ्राइडे प्रिंट कर दें, या सॉरी 1 किया तो सैटरडे प्रिंट कर दें, 2 लिखा है तो हम प्रिंट कर दें संडे, इसी तरह मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और इस तरह के 7 दिन जो है ना हमने वो करने हैं। तो सबसे पहले जी हम उसका
एंट्री पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं कि जी कहाँ से उसने स्टार्ट करना, उसने मेन से स्टार्ट करना। फिर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया और इसको हमने बोल दिया इंट डे। ओके, वेरिएबल आपने कोशिश करना, आप एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, एबीसी भी रख सकते हो, पर अपनी अच्छी आदत डिवेलप करें। वेरिएबल का एक मीन होता है, एक मतलब होता है। तो कल को जब आप जाइगेंटिक टाइप के प्रोग्राम्स बनाओगे तो आपको वेरिएबल ट्रेस करना आसान होगा कि ये वेरिएबल मैंने बनाया तो उसका क्या था। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिख देता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ डे नंबर, क्योंकि इंटीजर है, क्योंकि डे भी थोड़ा सा एम्बिगुअस आ जाता है इसमें। सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे भी आ सकता है, मतलब एक स्ट्रिंग भी आ सकती है। पर मैंने मतलब आगे जाके जब यूज करना मुझे नहीं पता होगा ये इंट है या स्ट्रिंग है, तो इस वजह से मैंने इसको डे नंबर बोल दिया ताकि मुझे पता चले कि ये एक होल नंबर होगा। अच्छा, अब देखें जी, अब मैं यूजर से इनपुट लेने लगा हूँ। मैंने कहा जी आप ऐसा करें, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने इसको बता दिया एंटर डे नंबर, और यहाँ पे मैंने इसको न्यू लाइन में भी मतलब चला दिया। चलें इसको न्यू लाइन में यहाँ पे नहीं करते, इसको कर देते हैं यहाँ पे टैब कर देते हैं, जरा ज़्यादा कन्वीनियंट है। न्यू लाइन में वो ज़रा बड़ा ऑड सा लगता है। फिर मैंने इसको करवा रहा हूँ स्कैन एफ। स्कैन एफ करवाने के लिए मुझे कोई बताएगा जी स्कैन एफ के अंदर क्या लिखना है? सर मॉड्यूलस डी वेरी गुड, कोटेड में मॉड्यूलस डी आगे। कॉमा के बाद एम परसेंट साइन वेरिएबल नंबर वेरिएबल शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, डे नंबर। और इस तरह हमने एक इनपुट यूजर से वो ले लिया। अब हमने इस इनपुट को वैलिडेट करना है, इस इनपुट को चेक करना है क्या ये हमारी इनपुट ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ में हम ये चेक करेंगे इफ डे नंबर इज इक्वल टू 1, देन देन व्हाट, क्या करेंगे कोई बताएगा जी? प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाएंगे सर। हाँ जी, प्रिंट टाइप सादा स्टेटमेंट लगाएंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे सैटरडे। सैटरडे ओके, अच्छा सैटरडे क्यों? चूंकि हमारे पास न्यू लाइन में आना चाहिए, तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे ये इसको न्यू लाइन में कर देते हैं। पहले मैंने इसलिए लगाया ताकि वो जो हमारे पास आ रहा है ना सैटरडे के लिए, मतलब ये एन मैंने पहले इसलिए लगाया कि पहले वो लाइन छोड़े। अगर इसके बाद लगाऊंगा तो ये सैटरडे के बाद जाके लाइन छोड़ेगा। अच्छा, डे नंबर 1 हो गया। अगर उसने 1 किया तो क्या करे, वो सैटरडे प्रिंट कर दे। अच्छा, अगर 1 नहीं उसने इनपुट किया तो फिर क्या करे, एल्स यहाँ पे वो बता दे जी डे, सॉरी डे नंबर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे यहाँ बता दे हमें क्या बताए, प्रिंट एफ, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे किया हमने सर, पेस्ट। एल्स लगेगी, एल्स करने लगेगी, एल्स हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड, एल शिफ्ट ही हमने लगाना, लगेगी। सही पकड़ा है आपने, गुड, एल शिफ्ट। और यहाँ पे सैटरडे की बजाय हम यहाँ पे कर देंगे संडे। अब यही सारा कोड हमने क्योंकि रिपीट करना है, तो बजाय इसके कि मैं सारा टाइप करूँ, मैं इसको यहाँ से ही कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया जी 3, और यहाँ पे हमने कर दिया मंडे। मेरे ख्याल से आपको सारी समझ आ गई है। ऐसे ही हमने सारा करते करते ना नीचे तक इसको फ्राइडे तक ले जाना, तो बताने, सेवन हाँ तक जी 7 तक ले जाना। तो आखिर वाला एक मतलब केस बता दें, अगर मतलब उसने 7 के अलावा कुछ किया है तो आप 7 के अलावा जो है ना यहाँ पे प्रिंट एफ करवा दें, प्रिंट एफ, और यहाँ पे आप लिख दें इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। मतलब आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया कि 7 तक आपने इस तरह लिख लेना। अच्छा, एक और बात यहाँ जरा समझने वाली है, ये यार अपनी जो है ना लाजमी ये ट्राई बनाओ, ये लाजमी अपने आप को ना इस पे इन्फोर्स करो, क्योंकि अगर आप ये अभी नहीं ना करोगे तो ये जो होती है ना गंदी आदतें ये डेवलप हो जाती हैं। तो प्रोग्रामिंग में सबसे गंदी आदत ये होती है कि आप कोड को प्रॉपर इंडेंट नहीं करते।
कोड को प्रॉपर इंडेंट ना करना, ये समझ लें कि प्रोग्रामिंग में अनएथिकल है, कि मतलब आप समझ लें कि इसके कोड के खिलाफ है, हालांकि इस पे कोई एरर नहीं आता, पर ये मैं आपको अपना कोड ऑफ कंडक्ट बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास बगैर इंडेंटेड कोड आएगा ना, तो मैं उसको गलत तसव्वुर करूंगा। मेरे मुताबिक जो है ना, वो उसके बजाय यही है कि आप कोड प्रोड्यूस ही ना करें, आप गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रॉपर जो है ना इंटेंडेशन, मतलब इंटेंडेशन से क्या मुराद है? इंटेंडेशन से ये मुराद है, इसका मतलब एक रूल तो आप समझ लें। ये देखिए, यहाँ पे फंक्शन ओपन हो रहा है, इसका ये जो अपना स्ट्रक्चर्ड है, ये यहाँ पे ये हुई है, ब्रेस ओपन हुई है, तो कोशिश करनी है ये ब्रेस जब ऑफ हो ना, क्लोज हो, तो ये ब्रेस उसी ओपनिंग के नीचे ही क्लोज हो। आप देख रहे हैं ये एक ही इंटेंडेशन में क्लोज हो रही है। अब ये वाली ब्रेस यहाँ पे ओपन हुई है, तो ये इसके नीचे यहाँ पे आके ऑफ हो। अगर ये ऐसे होगी ना, तो ये मुझे गार्बेज लग रहा है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, मेरी ये रीडेबिलिटी पढ़ा रहा है। तो आपने ये करना है कि ये वाला जो कोड है, इसको ऐसे इंडेंट करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह ये इफ एल्स है, इसका भी जो ब्रैकेट जहाँ पे ओपन हो रही है, उसी ही जगह पे जाके आपने नीचे क्लोज करनी है। समझ आ गई है बात की या नहीं आई जी किसी को? यस सर, हाँ जी, ये कोड कोड जो है ना, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों ने इंडेंट करना है। फिर एक मतलब स्पेस भी मैंने छोड़ी हुई है, आपका अपना कन्वेंशनल वे भी हो सकता है। देखिए, बड़ी प्लीजिंग लुक आ रही है, कोड देखने में अच्छा लग रहा है और रीडेबिलिटी भी आसान है। अगर वो सारा आपने इस लाइन के साथ किया हुआ है ना, तो ज़रा पढ़ने में भी मुश्किल होता है, और मतलब मैं समझता हूँ कि आपने ना जान छुड़वाई है, आपने काम जो है ना सही नहीं किया। अब जी, मैं कंपाइल करने लगा हूँ प्रोग्राम। जैसे ही मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद वो कहता है जी एंटर डे। मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, तो 3 में मेरे पास उसने बता दिया मंडे, और ये सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है। तो इसको मतलब आप कंप्लीट कर सकते हैं ना इसको, मतलब जो आपके पास डे सारे आएंगे फ्राइडे तक। यस सर, ओके जी, चलें जी। यस सर, हो हाँ जाएगा। जी, ठीक हो गया। अब ज़रा देखते हैं, अब हम इफ एल्स इफ इसको मतलब लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास कुछ आ जाता है जी, नेस्टेड इफ आ जाता है। नेस्टेड इफ को यूज करने का क्या तरीका है? देखें, नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर आपके पास इफ आता है। इसको जरा हम जल्दी से इसकी एक एग्जांपल कर लें, ताकि हम फिर आगे जो है ना अपने किसी और स्ट्रक्चर की तरफ चलें, मूव करें। मैं इस सारे कोड को यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, ताकि हम जो है ना अपना कोड जो है ये ज़ाया भी ना हो हमारा, और हम नया कोड भी करें, और आपको इसकी ना जो फाइल है ना वो मैं दे दूं, ताकि आप दोबारा भी इसको पढ़ सकें। अच्छा जी, अब यहाँ पे फर्ज करें, आपने मैं नई एक डेटा टाइप ना यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ कैर, और इसमें मैंने स्टोर करवा दिया ए, ये कैपिटल ए है, ठीक हो गया। दूसरी डेटा टाइप वही पुरानी जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैंने करवा दिया 1 2 3 4 5 6, या 5 तक करवा देते हैं। 6 करवाएंगे तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, वो क्यों आएगी वो बात हम बाद में कभी करेंगे। अभी तक के लिए बस ये समझ लें कि आपने ये कैर, इसका नाम आप रख दें यूजर नेम, और इसका नाम आप रख दें पासवर्ड, कंट्रोल सेव, ठीक हो गया जी। अब देखिएगा जी, अब नेस्टेड इफ को यूज करते हुए हम कैसे एक चीज बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जी इफ मतलब मैंने यूजर नेम और पासवर्ड, ये समझ लिया, हमारी डेटाबेस है, डेटाबेस में पहले ही कहीं पे ना यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना हमारा सेव है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने किया कि यहाँ पे यूजर नेम दिया जी, इफ यूजर नेम, यूजर नेम इक्वल टू ए, अगर तो ये गेट हमारा पास हो जाता है, तो हमारा यूजर नेम मतलब कंट्रोल जो है वो पासवर्ड के पास चला जाए। अगर नहीं होता, इसका एल्स केस साथ ही लिख लें, ताकि आपको ना याद रहेगा कि इसका एल्स कहाँ पे आ रहा है और दूसरे का एल्स कहाँ पे आ रहा है। इसीलिए ये साथ साथ अगर आप इसके वो बनाते जाएंगे ना, मतलब इस कोड को इंडेंट भी करते जाएंगे, फिर भी आपको समझ आएगी। अब देखेंगे हम जैसे कोड के अंदर घुसते जा रहे हैं ना, कम्प्लेक्स होता जा रहा है, तब हमें इंटेंडेशन कैसे हेल्प करती है। वो एल्स में यहाँ पे आप प्रिंट करवा दें, प्रिंट एफ यहाँ करवा दें जी, इनवैलिड यूजर नेम, कंट्रोल सेव।
अब दूसरी तरफ आते हैं जी, अगर यूजर नेम हमारा करेक्ट हो जाता है तो फिर इसके अंदर एक और इफ लगा दिया हमने। इस इफ में हमने कहा इफ पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, अगर पासवर्ड ये है तो फिर क्या करो, ब्रैकेट लगाओ इसका। सबसे पहले एल्स केस लिख लो। एल्स केस क्या लिखना है आपने, एल्स केस में आपने लिख दिया प्रिंट एफ और यहां पे लिख दो हाँ इनवैलिड हाँ पासवर्ड। इनवैलिड पासवर्ड आपने लिख दिया यहां पे। और अगर ये पासवर्ड करेक्ट हो जाता है तो करेक्ट होने के लिए क्या लिखना है आपने, कोई बताएगा जी क्या लिखना चाहिए यहां पे? करेक्ट होने के लिए आप यहां पे लिख दें, मतलब आपका यूजर नेम भी करेक्ट है, आपका पासवर्ड भी करेक्ट है, तो आप यहां पे लिख दें लॉग इन सक्सेसफुल। ओके जी, कंट्रोल सेव। ठीक हो गया जी, कोड की यहां तक किसी को समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं जी। चलें जी, अब देखते हैं जी हमारा ये कोड हमारी लॉजिक के मुताबिक काम कर रहा है तो नहीं। ये देखें, अब हमने मतलब ये जो इंडेंटेशन बनाई है ना, इससे कोड की लुक कितनी क्लीन नजर आ रही है, मतलब हमें साफ पता चल रहा है कौन सा इफ कहाँ पे ओपन हो रहा है, कौन सा इफ कहाँ पे क्लोज हो रहा है। यही अगर हमने वो मेस सा बनाया हो ना, या स्पेगेटी कोड बनाया हो, अब देखें हमें ये भी पता चल रहा है ये इफ है और उसका एल्स केस ये है, ये इफ है और उसका एल्स केस ये है, ये इफ यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे क्लोज हो रहा है, ये इफ यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से क्लोज हो रहा है। तो इंडेंटेशन का ये फायदा होता है, कोड की रीडेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा जी, मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद अब यहां पे वो कह रहा है जी लॉग इन सक्सेसफुल वाई। हाँ, अब यहां पे हम ये करेंगे, यूजर से दो इनपुट्स लेंगे। इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ एंटर यूजर नेम। यूजर नेम एंटर करो भाई, और इसमें यहां पे आके मैंने कर दिया इसको टर्मिनेट। फिर आया जी स्कैन एफ, स्कैन एफ के बाद मैंने यहां पे कहा जी एम्परसाइन सॉरी परसेंटेज डी और यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम आया तो करेक्टर को लेने के लिए आपके पास परसेंटेज सी आएगा। जब भी आपने इंटीजर लेना है तो इंटीजर के लिए आपके पास परसेंटेज डी आता है, लेकिन यूजर नेम को हमने जो स्टोर कराया है वो करेक्टर में करवाया है, तो करेक्टर को करने के लिए हमारे पास परसेंटेज सी आएगा। सी हाँ जी, तो इसको एम्परसैंड और यहां पे हमने कर दिया यूजर नेम। ठीक हो गया जी, पहला तो हमने यूजर नेम ले सर, लिया। अब इसी को यस हम सेम एज इट इज कॉपी करके यहां पे कर देते हैं पेस्ट। ये देखें इंडेंट हुआ हुआ है कोड, कितना प्यारा लग रहा है। पासवर्ड यहां पे लिख देते हैं जी, पासवर्ड, और यहां पे पासवर्ड क्या है जी, इंटीजर में है, तो इसको किस में सेव करवाना है, इसको पासवर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर करवाना है। इसका नाम है जी पासवर्ड। ठीक हो गया, अब चूंकि हम वैल्यू यहां पे इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो आप इनको सिर्फ डिक्लेयर कर दें, बस हमें ये पता चल गया कि हमारा पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 5 है, और यूजर नेम जो है वो क्या है हमारे पास, वो ए है। कैसे पता चला, वो इस तरह पता चला कि जी यूजर नेम ये है, यानी कि ए करेंगे तो इससे पास होगा, और पासवर्ड जो है हमारा वो 1 2 3 4 5 है, ये होगा तो हम लॉगिन सक्सेसफुल की तरफ जाएंगे। जैसे ही मैं मतलब इसको क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद मुझसे उसने पूछा जी नेम, मैंने ए प्रेस किया, अगर मैं इसको छोटा ए दूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब वो कहेगा कि जी आपका जो यूजर नेम है वो गलत है। अगर मैं छोटा ए देता हूँ पासवर्ड का भी, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल है तो 1 2 3 4 5 पासवर्ड हालांकि मैंने ठीक दिया, पर वो कह रहा है इनवैलिड यूजर नेम, मतलब यूजर नेम आपका वैलिड नहीं है। अब मैं अपने
पासवर्ड वाला क्रीडेंशियल गलत देता हूँ ताकि हमें पता चले कि वो वाला इफ भी हमारा काम कर रहा है या नहीं। ये दिया और पासवर्ड मैंने कुछ भी रैंडम दे दिया। अब मुझे वो कह रहा है इनवैलिड पासवर्ड। अब मैं दोनों क्रीडेंशियल अपने सही देता हूँ। यहाँ पे मैंने ए बोला और मैंने बोला 1 2 3 4 5। अब देखते हैं जी लॉगिन सक्सेसफुल होता है या नहीं। दिस इज लॉगिन सक्सेसफुल। समझ आई थी बात की या नहीं आई किसी को? आ गई है सर। ओके जी, सर चलें जी। आज हमने जाना था वाइल लूप की तरफ जाना था, पर अनफॉर्चुनेटली वो कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा थोड़ी सी मतलब हो गई थी, पेचीदा पेचीदा हो गई थी, इस वजह से हम नहीं जा पाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ चीज़ें जो है ना मज़ीद इसकी कवर करेंगे। हम ये जो कोड है ना, इसी कोड को बस अपने माइंड में रखिएगा, जो हमने एक मतलब लॉगिन वाला बनाया, उसके अलावा मतलब एक चीज़ बनाया। अच्छा, यूज़र नेम से जस्ट अ मिनट प्लीज जी। यूजर नेम से पहले सर कैर क्यों लिखा? हाँ जी, देखिए हमारे पास बुनियादी जो है वो चार फंडामेंटल टाइप्स हैं, या जिनको प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं सी में। टाइप मतलब डेटा को कैटेगराइज किया हुआ है। डेटा आपके पास टेक्सचुअल फॉर्म में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब वो डेटा या न्यूमेरिक डेटा होगा या वो कुछ मतलब कैरेक्टर्स होंगे जैसे ABC, स्पेशल सिंबल। तो जब आपने कुछ स्पेशल सिंबल या ABC इनपुट लेनी हो ना, तो उसके लिए आप कैर यूज करते हैं। कैर से मुराद कैरेक्टर, मतलब इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, वो जो है उसको हम बोलते हैं कैर। ओके जी, अनान शहजाद समझ आई बात की? ठीक यस सर, यस सर। हो गया। इस वजह से हमने जो है सर ना, और जी, करेक्टर से पहले वो बाद जो आप एन लगाते हैं इधर तीर लगाया हुआ है, ये करेक्टर बाद लिखाना है ये। हाँ जी, मतलब बाद में वो सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग है। मतलब आप टी लगा देते हैं, उसका मतलब ये होता है 5 स्पेसेस छोड़ के आगे वो इनपुट लेता है। अगर आप ना भी लगाएं तो प्रोग्राम आपका सही चलेगा। पर मैंने आपको यही बताया कि एक एक मिस्त्री में और एक ग्रेजुएटेड प्रोग्रामर में बड़ा फर्क होता है। एक मिस्त्री की अप्रोच यही होती है, जो भी आया ना बस वो दाल दलिया बना के उसने जो है ना पेल के रख दिया। पर एक जो मतलब एक बाशऊर बंदा होता है, एक बाशऊर प्रोग्रामर होता है, उसकी अप्रोच एक मिस्त्री से डिफरेंट होती है। वो हर चीज़ को प्लान करके सोच के बड़े अच्छे तरीके से वो दिखाता है, एक बड़े अच्छे तरीके से उसको ना रिप्रेजेंट करता। थैंक यू सर। हाँ जी, हम वो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं ताकि हम मिस्त्री ना बने, हम अच्छे जो है ना डेवलपर या अच्छे जो है ना प्रोग्रामर वो बने।